तो यहां से तो कुछ खास नहीं है ना फिर, एक एक डेली एक एक मॉक टेस्ट है ना अटेम्प्ट करो तुम लोग, जो लोग लेट आए अभी दो भी कर सकते हो, बट टाइम फ्रेम देखना, ये वन सेटिंग में टेस्ट कंप्लीट करो, एक घंटे 45 मिनट का टेस्ट है, एक घंटे 45 मिनट में एक साथ बैठो, एक टाइम पे कंप्लीट करो एक सेटिंग में। तो इसमें जो अभी तक हुआ ना, जैसे मान लो अभी यूनिट वाइज 10 अपलोड हुआ है, आई थिंक ये अभी अपलोड किए हैं, यूनिट वाइज 10 हो गया, तो 10 यूनिट वाइज अपलोड हो गए हैं, और फुल लेंथ में 10 अपलोड हो गए हैं। तो यूनिट वाइज जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए है वो बेसिक होगा, और 10 फुल लेंथ भी हो गए हैं, जिसमें हमने यूनिट वाइज मैंने 3 डिस्कशन किया हुआ है, और फुल लेंथ का भी 1-2 किया है, 3-4 तो पीवाईक्यू भी है। तो 3-4 जो फुल लेंथ टेस्ट है उसका डिस्कशन ऑलरेडी हो गया है, क्योंकि इनिशियली हम लोग शुरू वहीं से किए थे, 2023 के पीवाईक्यू से ही शुरू किए थे, तो वो देख लो, फिर भी डाउट रहे तो हम डिस्कस कर सकते हैं फिर भी डाउट ना उसमें। तो यहाँ पे जो हमारे पास है आपके लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट 6, यहाँ पे आता हूँ मैं, CUTPC यूनिट वाइज टेस्ट 1 ठीक है, ये तो हो गया, यूनिट वाइज टेस्ट 2, यूनिट वाइज 3 ये डिस्कस हो चुका है, यूनिट वाइज 4 5 डिस्कस करना है, 6 डिस्कस करना है, फुल लेंथ 1 फुल लेंथ 2 फुल लेंथ 3। तो फुल लेंथ 3 क्वेश्चन पेपर ये 2023 का, फुल लेंथ 4 भी क्वेश्चन पेपर ये 2023 का, 2023 के CUT में दो पेपर हुए थे 8th जून और 11th जून वाला। तो PYQ इसलिए अपलोड कर रहा हूं ताकि अपने आप को आप अभी भी एनालाइज कर सको कि अभी कितना परफॉर्म कर पा रहा है, जो क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं उसमें कम से कम 300 में 200 कम से कम 250 है ना, अप्रॉक्स अराउंड 90% ज्यादा मार्क्स आने चाहिए, मेरा मतलब ये है उसमें इतना एक्यूरेसी तो हो जानी चाहिए सॉल्व करके, आंसर अट्टा नहीं मारने हैं, तुम्हें खुद सॉल्व करके देखना है कर पा रहे हो, अभी भी 2-4 क्वेश्चन होगा जहां तुम फंसोगे है ना, अगर तुम 4-5 बार 10 बार भी सॉल्व कर लोगे स्टिल 2-4 क्वेश्चन ऐसा रहेगा वहां 11-12 में तुम फंसोगे, ऐसा है। तो जितने ज्यादा बार रिवाइज करते हैं उतनी गलतियां कम होती है, उतनी एक्यूरेसी बढ़ती है हमारी, ये उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, ये चीजें हैं। तो रिवाइज करो, तो ये 1, 2, 3, 4 मॉक टेस्ट फुल लेंथ का डिस्कशन मैं अपने तरफ से कंप्लीट मान रहा हूँ, क्योंकि फिर भी जिनको रह जाएगा तो वो वीडियोस पुराने देखो, नहीं तो डाउट क्लास में पूछो, डाउट क्लास से आपका जो 6-8 का बैच है उसमें भी चल रहा है, और जो रात को हम लोग अभी 10-11 डाउट क्लास ले रहे हैं डेली उसमें भी चल रहा है, ठीक है। अब आगे देखता हूँ क्या है, अच्छा यहाँ आ जाते हैं। तो ये जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट 5 है ये नया होगा, तो ऐसा करते हैं कल की जो क्लास होगी 6-8 PM या 6:30 to 8 जो भी टाइम होगी, तो उसमें हम लोग फुल लेंथ मॉक टेस्ट 5 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का जो लोग पीछे चल रहे हैं उनका रिक्वेस्ट यही है कि फुल लेंथ 1, 2, 3, 4 ये चारों कंप्लीट करो, ठीक है। कैसे कंप्लीट करना है, अभी दिन में आपके पास है ना बहुत टाइम होगा अगर घर पे, तो एक मॉर्निंग में टेस्ट दो, एक इवनिंग में दो, ऐसे करके दो टेस्ट एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। फिर उसके बाद एनालिसिस भी करना जरूरी है कि देखो कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं, क्या तुम्हें नहीं आ रहा है, क्या सीखने की जरूरत है, क्या टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो 75 का 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके एग्जाम में, जो सही होगा आंसर टिक करना, नहीं आ रहा तुक्का मत लगाओ, क्योंकि एक मार्क नेगेटिव मार्किंग भी है ना, +4 -1 है ना क्वेश्चन पे, तो गलत करोगे तो नेगेटिव मार्किंग भी जाएगा, जहां कॉन्फिडेंट होगा टिक करो, लेकिन अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करो एटलीस्ट, छोड़ के नहीं कि आप मान लो एक घंटे 45 मिनट है 40 क्वेश्चन ही देखा बाकी पता ही नहीं चला क्या था, तुम अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करो, ट्राई सारे क्वेश्चन करो, जो इजी है उसको सॉल्व करो, जो मुश्किल लगे इनिशियली स्किप करो आगे बढ़ो, बट 75 का 75 क्वेश्चन देखो सॉल्व करने की कोशिश करो उसी टाइम पीरियड में, ठीक है। तो कल हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे, CUET मॉक टेस्ट फुल लेंथ 5 का सॉल्यूशन डिस्कस होगा, ठीक है। तो पहले 5 भी और 1, 2, 3, 4, 5 कंप्लीट करो, और जो डाउट है कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ बोलिए, नहीं जरूरी नहीं है अनबायस, हो सकता है अनबायस है कंसिस्टेंट नहीं है, हो सकता है कंसिस्टेंट है अनबायस नहीं है, हो सकता है दोनों है, हो सकता है कुछ नहीं है, ऐसा कोई डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है जी। तो अभी आज का जो CUET वाला बैच है ये स्टॉप करते हैं, कल फिर 6-8 क्लास होगी जिसमें मॉक टेस्ट फुल लेंथ 5 का डिस्कशन होगा, तो वो आप ट्राई करके आओ सब, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।